Subscribe the channel and hit the bell icon for more videos. हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। सी प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज के अंदर आज हम दो नंबर की स्वैपिंग का प्रोग्राम करेंगे बाय यूजिंग एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, स्वैपिंग का प्रोग्राम करने से पहले हम जानते हैं कि स्वैपिंग होता क्या है। मेरे पास टू वेरिएबल है, ए एंड बी। ए के अंदर मैंने 10 स्टोर करवाया और बी के अंदर मैंने 5 स्टोर कराया। अब जब मैं इन दोनों वेरिएबल्स की स्वैपिंग करूंगा तो इनकी जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि ए के अंदर 5 आ जाएगा और बी के अंदर 10 आ जाएगा। तो इसे ही हम स्वैपिंग बोलते हैं। अब स्वैपिंग को हम टू टाइप्स से परफॉर्म कर सकते हैं, बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यानी कि जब हम स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो यहाँ पे हम तीसरे वेरिएबल की हेल्प लेकर स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले हम स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसमें हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हेडर फाइल्स क्या होती है। एक्चुअली क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कंपाइलर हमें प्रोवाइड करवाता है। तो उन फंक्शन का यूज़ करने के लिए हमें उनसे रिलेटेड हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। तो उसके लिए हम हेडर फाइल्स यूज़ में लेते हैं। वैसे हेडर फाइल्स टू टाइप्स की होती है, बिल्ट इन और यूज़र डिफाइंड। देन मेन फंक्शन। अब यहाँ पे मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है। और मेन फंक्शन से पहले ये क्या है, इसका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कोई भी हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, इंट, फ्लोट। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, void। void मैंने डेटा टाइप्स वाले पार्ट में समझाया था कि void हम तब यूज़ करते हैं जब जो हमारा फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता हो, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ए बी एंड सी, ठीक है। यहाँ पे जो ए और बी वेरिएबल है, इन दोनों में हमें स्वैपिंग परफॉर्म करानी है। और ये जो सी वेरिएबल है, ये क्या है, हमारा थर्ड वेरिएबल जिसके थ्रू हम स्वैपिंग परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। अब मैं ए में वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10 और बी में वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5। अब क्या करवाएंगे अपन, जो ए है ए के अंदर बी की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे और बी के अंदर ए की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे या फिर असाइन करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो हमारा थर्ड वेरिएबल है उसके अंदर हम ए की ए को असाइन कर देते हैं। तो अब जो सी है उसके अंदर क्या आ गया, ए, यानी कि 10, ठीक है। देन जो ए है उसके अंदर बी असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इस लाइन से क्या हो गया, ए के अंदर 5 असाइन हो गया, यानी कि बी असाइन हो गया, ठीक है। देन बी इज इक्वल। अब देखिए फ्रेंड्स, बी इज इक्वल हम ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस लाइन में हमने ए इज इक्वल क्या कर दिया, बी, यानी कि ए में क्या आ गया, 5। तो अब मैं यहाँ पे बी इज इक्वल क्या लिखूंगा, सी, जो हमारा थर्ड वेरिएबल है ना, उसके अंदर मैंने क्या असाइन करवाया था, ए, ठीक है। तो C के अंदर A की वैल्यू है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे C। देन हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज में लेते हुए A और B की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है, ये कौन सी हेडर फाइल से रिलेटेड है, stdio.h से, ठीक है। A इज इक्वल परसेंट डी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये परसेंट डी है वो क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और ये जो स्लैश एन है, ये क्या है, एस्केप सीक्वेंस। ये हमने क्यों यूज में लिया है, न्यू लाइन के लिए। और देन ए बी। अब देखिए फ्रेंड्स, गेट सी एच फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। गेट सी एच फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो गेट सी एच फंक्शन है वो जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है उसे होल्ड करके रखता है। गेट सी एच फंक्शन, इन सब के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में समझा रखा है। अब फ्रेंड्स, हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एरर नहीं है। अब इसको हम रन करते हैं। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ए के अंदर बी की वैल्यू आ गई 5 और बी के अंदर ए की वैल्यू आ गई 10, जबकि मैंने यहाँ पे ए के अंदर 10 असाइन किया था और बी के अंदर 5, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, यानी कि यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो थी स्वैपिंग बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब हम स्वैपिंग का प्रोग्राम करते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी कि अब जो हम प्रोग्राम करेंगे उसमें हम थर्ड वेरिएबल को यूज में नहीं लेंगे। तो स्वैपिंग
तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करने पे हम क्या करते हैं, हेड ऑफ फाइल्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है। देन मेन फंक्शन, अब यहाँ पे हम इंटीजर टाइप के सिर्फ टू वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे तीन वेरिएबल क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें थर्ड वेरिएबल की कोई नीड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम टू वेरिएबल से ही स्वैपिंग परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे ए के अंदर क्या असाइन कर दिया, 10, और बी के अंदर हमने असाइन कर दिया 5, ठीक है। अब लगाएंगे हम स्वैपिंग का लॉजिक। तो फ्रेंड्स क्या लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले ए इज इक्वल ए प्लस बी। अब देखिए फ्रेंड्स इस लॉजिक के बाद क्या हो जाएगा, ए बिकम्स ए इज इक्वल ए प्लस बी, मैंने किया तो ए में क्या असाइन हो गया 15, 10 प्लस 5 15, ओके। देन हम करते हैं बी इज इक्वल ए माइनस बी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बी इज इक्वल ए माइनस बी, तो अभी जो ए है ये वाला, इस ए में 10 असाइन नहीं है, ये पुराना वाला, नया ए क्या है अपना 15, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था ए इज इक्वल ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या है 15, 15 माइनस 5, तो इस पूरे में क्या हो गया बी बिकम्स 10। फ्रेंड्स ये आया आपको समझ में कैसे हुआ 10, क्योंकि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो क्या हो गई 15, 15, और बी की वैल्यू क्या है वही 5, तो 15 माइनस 5 क्या होता है 10, ठीक है। तो बी इज इक्वल 10, और 10 क्या है अपना ए, तो बी किसके इक्वल हो गया ए के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज तो करवा दी बी इज इक्वल ए, ठीक है, बी के अंदर ए की वैल्यू असाइन करवा दी। अब सिर्फ बचा ए, ए के अंदर बी की वैल्यू असाइन करवानी है, वो कैसे करवाएंगे, ए इज इक्वल ए माइनस बी। अब फ्रेंड्स ये लॉजिक देखिएगा, ए इज इक्वल ए माइनस बी, अगेन यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है वही 15, और बी की वैल्यू अब क्या है, अब बी की वैल्यू 5 नहीं होगी, अब बी की वैल्यू क्या है 10, क्योंकि न्यू बी अपने पास क्या हो गया 10, ठीक है। तो 15 माइनस 10 क्या हो गया 5, तो ए बिकम्स 5, और 5 किस में असाइन था पहले बी के अंदर, 5 बी इज इक्वल 5, बट अब इस लाइन से 5 असाइन हो गया ए में, और यहाँ पे 10 असाइन हो गया बी में, तो यहाँ पे हमने स्वैपिंग अच्छे से परफॉर्म कर दी। प्रिंट हेड फंक्शन की हेल्प से अब हम ए और बी की वैल्यूज को प्रिंट करवा देते हैं। देन लास्ट में गेट सी एच फंक्शन, और फ्रेंड्स इसको हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, ओके कोई भी एरर नहीं है, देन रन करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म हो चुकी है, ए के अंदर पहले हमने क्या स्टोर किया था 10, बट अब क्या है ए के अंदर 5, और बी के अंदर हमने असाइन किया था 5, लेकिन अभी बी के अंदर क्या हो गया 10, तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म हो चुकी है, ए की जो वैल्यू है वो बी में असाइन हो गई, और बी की जो वैल्यू है वो ए में असाइन हो गई, और यहाँ पे हमने थर्ड वेरिएबल भी यूज में नहीं लिया। ये थी स्वैपिंग टू नंबर्स की विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।